अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये जो न्यू वीडियो है, न्यू व्लॉग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये व्लॉग स्पेशली गर्ल्स के लिए है। आपको इसके टाइटल से पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हाँ जी, ये हमारी जो वीडियो है ये है हाउ टू मेक फ्रेंच नेल्स इन होम। आप घर में आराम से नेल्स खुद भी बना सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले हमें चाहिए होगा नेल बफर। इसको कहते हैं नेल बफर। ये आपको किसी भी लोकल मार्केट से मिल सकता है। इसके बाद हमें चाहिए होगी एक वाइट नेल पेंट। ये मैंने रिवाज की ली है वाइट नेल पेंट, ये भी आपको हर जगह से मिल जाएगी। देन उसके बाद बेस कोट, या आप इसको शाइनर भी कह सकते हैं। देन उसके बाद हमें चाहिए होगा नेल पेंट रिमूवर, ताकि अगर हमारी नेल पॉलिश कहीं साइड पे या एजेस पे लग जाए तो हम उसको फौरी रिमूव कर सकें। और इसके साथ हमें चाहिए होंगे ये पैड्स, जिसके ऊपर हम अपना नेल पेंट रिमूवर लगाएंगे और फौरी तौर पर रिमूव कर लेंगे। देन उसके बाद हमें चाहिए होगा एक ब्रश, एक सीज़र और साथ में एक टेप। इन सब चीज़ों के अलावा आप और भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेंच नेल्स बनाने के लिए। वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आगे उसके पिक्चर्स अटैच कर देती हूँ। वो आपको किसी भी लोकल मार्केट से या आपको दराज से इजीली और इन अ लो प्राइस आपको मिल जाएगा। आज ये सब चीज़ें यूज़ होंगी हमारे इस वीडियो में। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला स्टेप जो आज हमने करना है वो अपने नेल्स को प्रेप करना है इस नेल बफर के साथ। इसके ऊपर स्टेप्स लिखे हुए हैं तो इतनी मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहला स्टेप है फाइल नेल एजेस। इससे अपने नेल्स के एजेस को हमने फाइल करना है। मुझे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हफ्ते में दो दफ़ा इसको यूज़ कर लेती हूँ अपने नेल्स के लिए, उसकी शेप सही रहे, सब कुछ के लिए। देन नंबर सेकेंड स्टेप इज़ रिमूव एजेस। एजेस को रिमूव करें। नंबर थर्ड स्टेप इज स्मूथ नेल। इसको नेल्स के ऊपर यूज़ करते हैं। एंड नंबर फोर एंड लास्ट स्टेप इज शाइन द नेल। अपने नेल के शाइन करने के लिए, इससे आपके नेल्स के ऊपर बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी। ये देखें कितनी अच्छी शाइन है, आप देख सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप है वो ये है कि हमने टेप लेनी है और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं अपने नेल्स के एजेस पे लगाने के लिए। तो अब हमने ये टेप अपने नेल्स के एजेस पे लगा ली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे हमें अपने वाइट नेल पेंट अपने नेल्स पे अप्लाई करनी बहुत इजी होगी। तो अब हमने वाइट नेल पेंट अप्लाई करनी है अपने नेल्स पर। ये नेल पेंट ले लिया, अब इसको हमने कर देना है इस तरह बगैर देखे। आप बेफिक्र हैं, आप बगैर देखे अपने नेल्स के ऊपर अप्लाई कर दें। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने ये नेल पेंट अप्लाई कर लिया। इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रखते हैं। फिर जैसे ही ड्राई हो जाएगी उसके बाद हम इन टेप्स को उतार लेंगे। तो ये अब ड्राई हो गई है, अब इन टेप्स को, ये जो हमने अपने नेल्स पे लगाई हैं, इनको उतार देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अभी टेप से ही उतारा है और कहीं कॉर्नर्स पे, कहीं पे भी नेल पॉलिश नहीं लगी। अगर इन केस आपके कॉर्नर्स पे अगर लग गई है आपके नेल पॉलिश, तो आप इस ब्रश की हेल्प के साथ आप इस ब्रश को नेल पॉलिश रिमूवर में डिप करें और अपने कॉर्नर्स को साफ कर लें। ये बहुत इजी वे है, इससे आपकी नेल पेंट भी नहीं उतरेगी और साथ में आपके नेल्स भी के एजेस भी साफ हो जाएंगे। बाद जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है वो ये है कि हमने इस शाइनर को अपने नेल्स के ऊपर अप्लाई करना है। आप इस शाइनर को वाइट नेल पेंट लगाने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं एज अ बेस कोट, और लास्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं एज अ शाइनर। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे।
तो अब हम इसको अप्लाई करने अपने नेल्स पर। मेरे हैंड्स को इग्नोर कर दें जो टेप लगी हुई है, क्योंकि ये नहीं उतर रही। ये हमने लगा ली है नेल पेंट। तब आप ये देख सकते हैं कि कितने प्यारे नेल्स लग रहे हैं और डिसेंट, और आप घर में बैठ के इसको बना सकते हैं। तो अब हमने जो इसके ऊपर नेल कोट अप्लाई किया था वो ड्राई हो गया है। अभी हमारी फाइनल लुक हमारे नेल्स की ये है। बहुत इजी, बहुत आसान, आप इसको घर में भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।